सौ रुपये के स्टाइल में हम दावा करते हैं बाता नहीं दावा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये जितने भी लोकल मुद्दे और जो भी हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं अगर करेंगे तो ठीक है नहीं हम जेल जाएंगे जो चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड है इनके नए नए जो टेक्निकल इनके तरीके हैं उसके हिसाब से ये हम यहाँ से गंदगी हटा दीजिए जाए अगर जीत के जाते हैं तो अपने काम को कराने की मेरे अंदर कैपेसिटी है मैं करा लूँगा सारे काम और एक बार मेरा वायदा रहा चंडीगढ़ के मतदाताओं से एक बार अगर मैं जीत जाता हूँ मतलब ये अपने दम पे मुझे बच्चा मान करके के मुझे सेवा का मौका देंगे तो नेक्स्ट बारी सेवा दोबारा उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा और मेरा ये वादा रहा कि आएंगे तो कैंडिडेट ज़रूर लेकिन कहेंगे कि हमारा किशोर भाई ठीक है ये हमारे घर घर आ पूछ लेता है हमारी कोई समस्या नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजेंद्र दत्ता आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी दोस्तों देश में सातवें चरण के चुनाव जो है वो एक जून को चंडीगढ़ में होने वाले हैं और चंडीगढ़ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किशोर कुमार जी आज हमारे दरम्यान चुनावी चर्चा में मौजूद है आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या है उनका एजेंडा किशोर कुमार जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नमस्कार चंडीगढ़ के मतदाताओं को सबसे पहले नमस्कार किसे? मेरा हाँ, हाँ जी मेरा जो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने का लक्ष्य है उद्देश्य है उसमें मैं चंडीगढ़ के सभी मतदाताओं को ये बताना चाहूँगा सबसे पहले जो हमारे चंडीगढ़ में डंपिंग ग्राउंड वग़ैरह हैं इनके लिए व्यवस्था बहुत जल्दी होनी चाहिए हर समाज के लोगों को परेशानी है और हमारी सब पार्टियों के लोग हर बार वादा करके चले जाते हैं लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है आप एडवोकेट हैं यस yes, सर आपका पेशा अच्छा चल रहा था यस yes, सर तो फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आप राजनीति में आए ये तो सर बहुत बड़ा मुद्दा है एडवोकेट्स बहुत सारे और बहुत वेल क्वालिफाइड लोग भारत के अंदर जो सही नीति पे काम कर रहे हैं जो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो एडवोकेट्स हैं चाहे सी ये डॉक्टर हैं उनको भारत की जो अव्यवस्थापित सरकारें हैं वो जेल में अंदर डाल देती हैं और भारत के पूरे भारत की बात कर रहा हूँ यहाँ चंडीगढ़ का मुद्दा नहीं रहा तो भारत के अंदर जो नंबर दो के लोग हैं जिनकी सियासत में अपनी पहुँच है वो लोग तो बाहर रोड पर घूम रहे हैं और जो लोग नंबर नंबर एक वाले हैं वो अंदर सजा काट रहे हैं तो इसलिए सत्ता में आने के बाद मैं सही व्यवस्था कायम कर सकूं इसके लिए मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा कितने समय से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये तो मैं बाई बोर्न हूँ अच्छा मेरा खानदानी मेरे बाबा भी प्रधान थे मेरे बड़े भाई ए, सत्ता में रूलिंग रूल्ड पार्टी है समाजवादी पार्टी उसमें प्रदेश सचिव के पद पे काम कर रहे हैं यूपी के अंदर ठीक है आ, इसलिए मैं तो बचपन से ही पॉलिटिकल में ही हूँ जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई राजनीति की शुरुआत होती है जनरली नीचे के लेवल से होती है सरपंच से एमसी इलेक्शन से और आप सीधे लोकसभा चुनाव से शुरुआत कर रहे हैं तो इसके पीछे के कारण क्या है सर मैं डायरेक्ट लोकसभा के चुनाव से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत लेवल में बीडीसी का इलेक्शन लड़ा था उसके बाद प्रधानी का लड़ा उसके बाद जिला पंचायत का उसके बाद एम एल ए का अब मेरा दूसरी बार ये सांसद का इलेक्शन है ठीक तो मुझे एक चीज बताइए आप चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं यस सर चंडीगढ़ का जो मतदाता है वो आपको क्यों वोट दे आप ये बताइए चंडीगढ़ का मतदाता बोर्ड इसलिए देंगे कि उनके सामने अब तक जिस पार्टी का मैं समर्थित कैंडिडेट हूँ वो मेरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है रजिस्टर्ड पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी जिसका नाम है कि हमारी पार्टी पूरे भारत में सौ रुपये के स्टाम्प पे लोकल और राष्ट्रीय मुद्दे लिख के दे रही है चौसठ मुद्दे हैं सौ रुपए के स्टाइप में हम दावा करते हैं नहीं दावा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये जितने भी लोकल मुद्दे और जो भी हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं अगर करेंगे तो ठीक है नहीं था हम जेल जाएंगे इसलिए चंडीगढ़ के वेल सेटल्ड वेल क्वालिफाइड हमारे मतदाता हैं तो इसलिए मुझे वोट करेंगे क्या मुद्दे हैं जो मुद्दे आप आपने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया है जी उसमें आपने कौन से मुद्दे रखे हैं खासकर शिक्षा है शिक्षा समान शिक्षा की जाएगी अनिवार्य शिक्षा की जाएगी सबको सब समान तरीके से शिक्षा का हमने प्रावधान किया हुआ है जैसे समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी को प्राप्त हो इसके लिए प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक लाख गाँव तक गाँव में पाँच वर्ष के अंदर ही विद्यालय और महाविद्यालय खोले जाएंगे जिसकी परीक्षा पास करने के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा में वार्षिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा और राइट टू एजुकेशन इसे गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए दोबारा संसद में पास किया जाएगा किशोर जी किन मुद्दों पे आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आपका मैनिफेस्टो क्या है मैनिफेस्टो में सबसे पहले चंडीगढ़ की और सफाई और शिक्षा सफाई शिक्षा सफाई में जो डंपिंग ग्राउंड है जिनकी वजह से हमारे चंडीगढ़ के मतदाता बीमार होते हैं अक्सर कोई अचानक नई बीमारी फैल जाती है तो सबसे पहले सफाई ये कराना मेरा उद्देश्य है ऐसा नहीं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तभी से मैं ये कर रहा हूँ उसके लिए आपका क्या प्लान है डंपिंग ग्राउंड के लिए सर इसके लिए हम चंडीगढ़ में ये यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे हम मीटिंगें सभाएं करते रहते हैं तो हम अधिकारियों के साथ में हमारी सभाएं चल रही हैं और वो हमसे बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपका समाधान करेंगे जो चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड है इनके नए नए जो टेक्निकल इनके तरीके हैं उसके हिसाब से ये हम यहाँ से गंदगी हटा दिए जाएंगे मतलब ये सड़ने नहीं देंगे यहाँ पे कचड़े के लिए इसको ऑन द स्पॉट ही हम दूसरी उसमें खाद वगैरह में तब्दील कर देंगे ऐसी हमारी प्रशासन के साथ बात हुई है ठीक है जी इसके, इसके है। अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं अभी? हेल्थ के मुद्दे हैं जी जैसे कोई अचानक बीमार होता है तो उसको जो अभी तक पॉलिसियाँ चल रही हैं उनसे अलग हमारे डिफरेंट तरीके हैं जिनके द्वारा गरीबों की नहीं सुनवाई हो रही है खासकर गरीबों के ही लिए हमारी पार्टी काम ज्यादा करती है अमीर आदमी रास्ता ढूंढ लेता है तो गरीबों के लिए हम कैसे सुविधा दे सकते हैं ये हमारा सारा सिस्टम कर रहा है काम तो एक चीज मुझे और बताइए आप अभी आपने पीछे एक स्लोगन दिया था कि ईवीएम हटाओ एंड संविधान और लोकतंत्र बचाओ ये क्या मुद्दा है ईवीएम तो आ, उसके ऊपर सुप्री, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे फैसला दे दिया इसके बावजूद ये क्या आप लोगों का सर ई के ऊपर फैसला दो आठ अक्टूबर दो हज़ार तेरह के लिए दिया हुआ है कि ये कई तरीके से इसमें फेरबदल हो सकती है और ये ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा सकती इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारे जैसे नए कैंडिडेट जो दिल से काम करना चाहते हैं समाज की सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को मैदान में अगर आना है तो ईवीएम हटाना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे वाले लोग यहाँ पे अपना मीड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया हर जगह वो अपने आप पैसे से जैसे भी जीत के आ जाते हैं फिर वो काम नहीं करते इसलिए ई हटाना ही पड़ेगा ई वी एम मेड इन जापान है वहाँ पे बैलेट पेपर चलता है बहुत सारी जगह कई कंट्रियों में बैलेट पेपर चलता है लेकिन इंडिया में ई चलती है ये अब व्यवस्था है अभी आपने कहा मीडिया जी मीडिया के थ्रू जीत के आ जाते हैं जी हाँ मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे थोड़ा क्या कारण है थोड़ी रोशनी डालेंगे इस पर आप सर मीडिया में मैं खासकर मीडिया कर्मियों की कमी नहीं बताते हुए मैं ऐसा कहना चाहूँगा जो हकीकत है हमारे भारत के लोग कुछ लोग फाइव परसेंट से भी कम लोग भारत में नाइन्टी फाइव परसेंट से ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है और हमारे जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो 95 फाइव परसेंट में रह जाते हैं उनको वो फीचर फैसिलिटी नहीं मिलती है और उनके अंदर क्वालिटी है तो वो मजबूरन जैसा आगे लीडर लोग बोलते हैं वैसा करते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं और हमारी जनता भर... मतलब भ्रमित हो जाती है और वही काम कर देती है जो नहीं होना चाहिए आपसे पिछली चर्चा जब हुई थी तो आपने कहा कि दोस्तों ने कहा कि आप गलती से वकील बन गए हैं और आपने कहा कि मैं गलती से एम पी बनूंगा ये है। सर क्या, क्या माजरा ये ये सर ऐसा है ना मैं बोलता अच्छा था तो पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था बीच में ऐसा हादसा हुआ कि मेरा कॉलेज छूट गया था तो मेरा पढ़ाई छूट गई थी बीच में तो उसमें खेती बाड़ी कराने लगा और मैं घर पर रहने लगा तो घर में गांव में लोग बोलते थे ऐसा करो वैसा करो तो उस टाइम तो ये बोलते थे तू तो यार बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये बनेगा वो बनेगा तो मैंने कहा चलो यार करना चाहिए बहुत सारे साथियों ने बोला कि आप कम से कम वकील तो बन सकते हो जब गाँव वाले जहाँ में मेरा बॉर्न प्लेस है मेरा गांव है जहाँ पे मैं जन्मा हूँ वहाँ के लोगों को मेरी क्वांटिटी क्वालिटी पता था उन्होंने मुझे सहारा दिया वकील बन जाऊँ वकील बन गया लेकिन उसके बाद जब मैं वकालत में आया तो मेरे बहुत सारे साथी बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार मैं बारह साल बाद वकालत दोबारा किए पढ़ाई छोड़ने की तो बहुत कुछ उसके बीच में मुझे लॉस हुआ बीस पच्चीस परसेंट में कोमा में चला गया लॉस एक करोड़ का था मेरी उम्र बीस बाईस साल थी तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा गड़बड़ाहट हो गई थी मतलब जिंदगी जीने की इच्छा नहीं थी ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूँ जब समाज के लोग मिले दोस्त यार मिले उन्होंने बोला यार तू वकालत कर ले वकालत तो मैं करके आ गया लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टैंड लिया जब मुझे पता लगा कि मैं जिंदगी जी सकता हूँ भी कुछ नहीं आ रहा हूँ तो मेरे अब जो मेरे यार दोस्त हैं पुराने दिन याद दिलाते कहते यार तू गलती से वकील बन गया है इसको यार यहीं तक रहने दे क्यों इलेक्शन में पंगे लेता ये वो फलाने तो मैंने बोला यार गलती से वकील बन गया तो गलती से से एमपी और एमएलए बन जाऊंगा ये मेरी अपने आप मतलब मेरी ठान है वायदा है अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं यस सर सांसद बन जाते हैं तो यहाँ के मुद्दों को क्योंकि देखिए मेजोरिटी में तो बड़ी पार्टी होती है जिनको हम कांग्रेस कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं आप अपने मुद्दों को कैसे रख पाएंगे वहाँ पे आपको क्या लगता है सर वो लीडर के अंदर क्वालिटी होती है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हर पार्टी के दोस्त हैं मेरे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी पार्टी का मेरा कोई दुश्मन है या ऐसा कुछ नहीं है आदमी काम करता है, पार्टी काम नहीं करती है पार्टी आदमी के कामों का परफॉर्मेंस होता है तो पार्टी का नाम होता है या उसकी अवनति होती है तो उसमें हम अगर जीत के जाते हैं तो अपने काम को कराने की मेरे अंदर कैपेसिटी है मैं करा लूँगा सारे काम और एक बार मेरा वायदा रहा चंडीगढ़ के मतदाताओं से एक बार अगर मैं जीत जाता हूँ मतलब ये अपने दम पे मुझे बच्चा मान करके जिताएंगे मुझे सेवा का मौका देंगे तो नेक्स्ट बारी सेवा दोबारा उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा और मेरा ये वादा रहा कि आएंगे तो कैंडिडेट जरूर लेकिन कहेंगे हमारा किशोर भाई ठीक है ये हमारे घर घर आके पूछ लेता है हमारी कोई समस्या नहीं है तो ये थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको समर्थन दिया है बहुजन मुक्ति पार्टी ने किशोर कुमार जी किशोर जी आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार